डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, वोकैबुलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। डियर फ्रेंड्स, दीज आर डेली यूजेज इंग्लिश सेंटेंसेस। इसी प्रकार के सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है, आपके सपने सच हों, मेरा यकीन करो, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको ऑनलाइन देखा, तुम्हें क्या हुआ, शुभ मुहूर्त क्या है, जैसा आपको सही लगे, यह चम्मच जूठा है, इसमें आपका क्या कसूर है, मैंने उसका बैंड बजा दिया, क्या तुम्हें बुरा लगा, मैं आपसे पूछना भूल गया, आप इज्जत के लायक नहीं हो, मुझे सोचने का मौका दो, वह बहुत भाव खाती है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इन्हें बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं, आपके सपने सच हों। कभी कभार कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने ऐसा बनने का सपना देखा है और इसके लिए मैं दिन रात प्रयास भी करता हूँ, तो हम कह सकते हैं कि आपके सपने सच हों, तो या भगवान आपके सपने सच करे, जिसको हम कहते हैं मे योर ड्रीम कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, भगवान आपके सपने सच करे। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि सपनों के लिए अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, तो हम कह सकते हैं कि भगवान आपके सपने सच करे, मे गॉड मे योर ड्रीम कम ट्रू, या मे गॉड कम ट्रू योर ड्रीम्स, मेरा यकीन करो। कई बार कोई व्यक्ति अपनी बात को बताता है और बोलता है मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो, जो मैं कह रहा हूँ सच है, तो मेरा यकीन करो, तो इसको बोल सकते हैं हम बिलीव मी, और इसी को बोल सकते हैं ट्रस्ट मी, बिलीव मी और ट्रस्ट मी। पे लिखा हुआ है, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद मिलता है तो एक व्यक्ति तो पहचानता है लेकिन दूसरा को अच्छे से याद नहीं आता है, तो वो कह सकता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो यदि आपको ये कहना है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, तो इसको बोलेंगे आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने आपको पहचाना नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैंने आपको ऑनलाइन देखा। डियर फ्रेंड, पिछले 2 सालों से हमारे जो है कोरोना जैसी बीमारी, महामारी जो है वो फैली हुई है, जिसके कारण हर काम बहुत ही डिस्टर्ब हुआ है और बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जो है वो पढ़ाना, बिजनेस करना सब शुरू किया है। जैसे इसके पहले मैं भी यही ऑफलाइन क्लास लेता था, लेकिन पिछले 2 साल से इसी यूट्यूब और जूम मीटिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो यदि हमको ये कहना है कि मैंने आपको ऑनलाइन देखा, तो आई सा यू ऑनलाइन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति उदास बैठा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल चुप चुप बैठा हुआ है, किसी से बोल नहीं रहा है, तो हम उसके पास जाकर के बोल सकते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। इस प्रकार से नेक्स्ट, शुभ मुहूर्त क्या है। डियर फ्रेंड्स, हमारे कल्चर में कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, कोई भी सांस्कृतिक काम करते हैं, कोई भी पूजा पाठ वाला काम करते हैं, तो हर चीज के लिए हम पूछते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है। इसको इंग्लिश में पूछना चाहते तो बोलेंगे व्हाट इज ऑस्पिशियस टाइम, तो शुभ मुहूर्त क्या है। इस प्रकार से
जैसा आपको सही लगे। कई बार जिस चीज में हमारा कंफर्म नहीं होता है, हम कंफर्म नहीं होते हैं और किसी से पूछना चाहते हैं कि बताइए एक काम को कैसा करें, तो यदि कोई कहता है कि यह काम जैसा आपको सही लगे तो इसको बोलते हैं as you feel right, जैसा आपको सही लगे। यदि हम किसी से कोई बात पूछते हैं कि ऐसा करें, इस तरह से करें या उस तरह से, तो सामने वाले कह सकते हैं कि जैसा आपको सही लगे, इसको बोलेंगे as you feel right। फिर मान लीजिए हमको ये बोलना है यह चम्मच जूठा है। कई बार जो होता है जूठा शब्द के लिए हम बोलते हैं कि यह चम्मच मत लो, यह चम्मच जूठा है, तो हम बोलेंगे इट्स यूज्ड स्पून, इट्स यूज्ड स्पून। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इसमें आपका क्या कसूर है। कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि यदि कोई भी गलती हुई है, तो इसमें आपका क्या कसूर है, या यदि ऐसा हो गया है तो इसमें आपका क्या कसूर है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर फॉल्ट इन इट, व्हाट्स योर फॉल्ट इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं उसका बैंड बजा दूंगा। कभी कभार क्या होता है जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो बोलते हैं कि रुको उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसका बैंड बजा दूंगा, तो मैं उसका बैंड बजा दूंगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं I will set him right, मैं उसका बैंड बजा दूंगा, इस प्रकार से कह सकते हैं I will set him right। फिर लिखा हुआ है क्या तुम्हें बुरा लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को, हमसे कोई गलती हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है, और हम जबकि उसका ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो बोलते हैं क्या तुम्हें बुरा लगा, तो इसको बोलेंगे Did you feel bad? क्या तुम्हें बुरा लगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपसे पूछना भूल गया। कभी कभार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि यदि आपने ऐसा करना था तो मेरे से पूछा क्यों नहीं, और आप कहना चाहते हैं कि मैं आपसे पूछना भूल गया, तो बोलेंगे I just forgot to ask you। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आप इज्जत के लायक नहीं हो। तो कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे काम कर देता है कि हम कहते हैं कि आप इज्जत के लायक नहीं हो, तो इसको बोलते हैं You don't deserve respect। मुझे सोचने का मौका दो। कभी कभार कोई हमको कोई चीज के बारे में प्रपोजल देता है तो हम उससे कहते हैं कि आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है इसके लिए मुझे सोचने का मौका दो, तो give me a chance to think, मुझे सोचने का मौका दो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बहुत भाव खाती है। कभी कभार क्या होता है किसी को पास कोई स्किल होती है और उसको पूछने के लिए कोई जाता है तो वो बहुत तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह बहुत भाव खाती है, तो इसको बोलेंगे C acts so pricey। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कभी कभार कोई अच्छी चीज होती है तो हम कहते हैं यह तो बड़ी खुशी की बात है। जैसे किसी ने बताया कि उनके बेटे का जो सिलेक्शन है वो IPS में हो गया, तो हमारे मन से अचानक निकलता कि अरे यह तो बहुत खुशी की बात है, यह तो बड़ी खुशी की बात है, तो बोलते हैं it's a matter of great pleasure।
तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को एक बार शुरू से देखते हैं। आपके सपने सच हों, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मेरा यकीन करो, बिलीव मी और ट्रस्ट मी, बिलीव मी और ट्रस्ट मी। मैंने आपको पहचाना नहीं, आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू, आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू। मैंने आपको ऑनलाइन देखा, आई सा यू ऑनलाइन, आई सा यू ऑनलाइन। तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। शुभ मुहूर्त क्या है, व्हाट इज ऑस्पिशियस टाइम, व्हाट इज ऑस्पिशियस टाइम। जैसा आपको सही लगे, एज यू फील राइट, एज यू फील राइट। यह चम्मच जूठा है, इट्स यूज्ड स्पून, इट्स यूज्ड स्पून। इसमें आपका क्या कसूर है, व्हाट्स योर फॉल्ट इन इट, व्हाट्स योर फॉल्ट इन इट। मैं उसका बैंड बजा दूंगा, आई विल सेट हिम राइट, आई विल सेट हिम राइट। क्या तुम्हें बुरा लगा, डिड यू फील बैड, डिड यू फील बैड। मैं आपसे पूछना भूल गया, आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क यू, आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क यू। आप इज्जत के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। मुझे सोचने का मौका दो, गिव मी चांस टू थिंक, गिव मी चांस टू थिंक। वह बहुत भाव खाती है, सी एक्स सो प्राइसी, सी एक्स सो प्राइसी। यह तो बड़ी खुशी की बात है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तो हम कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। तो डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इतने इंटरेस्टिंग और इजी हैं कि यदि इनको आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो इन सेंटेंस को या तो बार बार सुनिए, बार बार लिखिए या बार बार पढ़िए, तो आपको भी इसी प्रकार के सेंटेंस अपने यूज में होने के लायक हो जाएंगे। और आप हिंदी भी बोलना चाहेंगे तो आपके मुंह से यही शब्द इंग्लिश में निकलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, किसी प्रकार के सेंटेंस के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।